टटिया में चावल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चिकन हांडी की फुल रेसिपी। और चिकन हांडी आज बनाने वाले हैं हमारे और आपके जाने पहचाने शख्स साजिद भाई। तो आप लोगों ने उनको बहुत बार देखा होगा ब्लॉग में, आज वो हमको खिलाएंगे चिकन हांडी। तो चलिए आपको दिखाते हैं चिकन हांडी की फुल रेसिपी। इसमें तेल पड़ चुका भाई, तेल किस चीज़ से पड़ा इसमें? बेल कोलू किस लिए इसमें, मतलब छीद गया आपने ये? इससे वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन जी। मतलब आपको अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस है जी। तो मसाले भाई आप बनाएंगे, मसाले कोई और बनाएगा बावर्ची? नहीं, सीक्रेट मसाले हमारे कुछ भाई। बताएंगे कुछ मसाले बताएंगे आप? गरम मसाला, खड़ा मसाला। ठीक है, अभी यहाँ पे प्याज कट चुका है इसके लिए, ये प्याज और ये मसाला हम ले आए हैं। ये आप गार्लिक, ये गार्लिक पेस्ट है ये, और ये है दही। सब मिक्स करके बेहतरीन मसाला बनाया जाएगा उसके बाद। और फिर भाई क्या बनेगा? चिकन को रोस्ट करेंगे। अभी गोश्त धुल के आ चुका है, इसमें पड़ रहा है दही। भाई दही के लिए डालते हैं इसमें आप गोश्त में, इससे क्या होता है स्वाद के लिए। अच्छा, तो इसमें दही पड़ेगा अभी ये, और नींबू पड़ता है क्या इसमें? इसमें पड़ेगा हल्का सा नींबू। तेल बिल्कुल भयन गर्म हो चुका है, और ये प्याज डालेंगे साहिद भाई। भाई बिस्मिल्लाह करिए पहले। बिस्मिल्लाह। तेल पड़ेगा, प्याज को बिल्कुल अच्छे तरीके से लाल किया जाएगा, उसके बाद इसमें पड़ेगा गोश्त। दोनों लोग रेडी हैं यहाँ पर। भाई तुम नहा के आए हो? नहीं तो हाँ ठीक है। देखा मिर्च भाई डालिए मिर्च इसमें, ये हाँ ग्रीन चिली इसमें आ गई इतने। और क्या पड़ेगा इसमें? अब गोश्त भूनने के बाद इसमें पड़ेगा अब हरी धनिया। तो के भाई भी हमारे यहाँ चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। नियत लगाए बैठे हैं। क्या क्या लगाए बैठे हैं? मतलब नियत नियत लगाए हैं, जल्दी बन जाए, भाग लें अपने घर में, एक भी रुपये नहीं। साहिद भाई धनिया की पत्ती काटने, भाई दिखाइए इसमें चेहरा हल्का सा। लो खड़ा मसाला, लो पीली वाली पैकेट। तो भाई ये पीली वाले पैकेट में खड़ा मसाला इसमें भाई लेके आए हैं हमारे साहिद भाई। इसमें इसमें लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, और इलायची है, लौंग है, सब कुछ इसमें है भाई। ले लीजिए तेज पत्ता इसमें चला गया। अब सारे मसाले इसमें जाएंगे। ये भाई इनका स्पेशल मसाला है भाई का, ये मसाला पड़ गया, बताएंगे नहीं। अगर आपको बनवाना है तो आप एक बार साहिद भाई से कॉन्टेक्ट करें, इनका नंबर मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। शादी विवाह में लंबा कॉन्टेक्ट लेते हैं। भाई ये क्या था? गार्लिक पेस्ट। उधर डालो इसको, नहीं तो कच्चा। इसमें गार्लिक पेस्ट भी आ चुका है। क्या पड़ेगा? राजेश का चिकन मसाला, तो ये पड़ चुका है इसमें। इसको चलाएंगे भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से। चिकन हांडी हल्का फुल्का रेडी हो चुका है भाई। कितना पकेगा अभी? हो रही है कितनी देर तक? आधे घंटे बाद बिल्कुल यमी सा हो जाएगा ये। तो खाने के लिए इसमें आ गए ये और कामरान जच्चा हमारा, जो के खाने के लिए आवे। चिकन हांडी बन चुका है और यहाँ लगवा रहे हैं हम तंदूरी रोटी। भैया कितने रुपये रोटी लगा रहे हैं? छः रुपये की रोटी लगवा रहे हैं, बेहतरीन रोटी यहाँ पर। तो गाइस अभी हमारी तंदूरी रोटी लगनी शुरू हो गई है यहाँ पर। ये तंदूर है यहाँ का। एक बार में कितनी रोटी आती है तंदूर में? 15। एक बार में 15 रोटी आती तंदूर में। यहाँ पे चिकन टिक्का बन रहा है और यहाँ पे चिकन हांडी बन के रेडी हो चुका है। आपको दिखाता हूँ एक बार, ये चिकन टिक्का। और यहाँ पे ये लोग खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन लोगों ने एक रुपये दिया। ये लोग जितने लोग बैठे यहाँ पर, इन लोगों ने एक भी रुपया नहीं मिलाया खाने के लिए। तलब है बिल्कुल खाने के लिए सब। ये ऊपर से तेल जा रहा है, इसके ऊपर चिकन टिक्के के ऊपर बेहतरीन सा ये। तो केप भाई ने 20 रुपये मिलाया था, और केप भाई भी आ चुके खाने के लिए अभी यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रेडी। आप साहिद भाई सबके लिए निकालने वाले हैं चिकन हांडी। यार निकालो जल्दी से, तब बेहतरीन सा। यार कितना बेहतरीन लग रहा है खाने में यार, देखने में ये। हाँ अरे भाई भाई, फातिया कौन करके इस पे? अरे ये कप्पा के बस थोड़ा रहा दियो।
यार खाए बताओ कैसा लग रहा है ढंग से बैठे थी तो भाई खा के बताओ कैसा लग रहा है भाई आप पहले रोटी तो बिस्मिल्लाह करो यार रोटी बिस्मिल्लाह पड़े हो कितना अच्छा रहा यार खाने सब लोग खाए देखो टूट पड़े सब लोग और अपना टाइम आएगा इधर तो वीडियो बनाऊंगा अपना टाइम आएगा पर सब कुछ हजम हो चुका है कामरान जच्चा टूट पड़े अच्छे से बिल्कुल के भाई जो अपने घर से चावल भी लेके आज खाने के इस तरह खाओगे यार तुम लोग इतना पूरा तहलका मचा दियो टटिया में टटिया में चावल जितने शेर है सब के सब इस पे टूट पड़ेंगे अभी कुछ देर बाद।